हेलो स्टूडेंट्स, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12th क्लासेस के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10th चैप्टर को स्टार्ट किया है और मेरी कल की ये क्लासेस हो चुकी थी। कल की क्लासेस यानी मॉड्यूल फर्स्ट में मैंने आप लोगों को ये बताने का प्रयास किया था कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन किस तरह से जुड़ता चला जाता है, श्रृंखलन का गुण किस तरह से होता है, कार्बन की जो चार संयोजकता होती है, कार्बन अपनी उन चार संयोजकता को कैसे कंप्लीट करता है, कार्बन की उन चार संयोजकता होने पर कार्बन में कौन कौन सा संकरण हो सकता है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को हाइड्रोकार्बन के संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आप तैयार हो तो आज हम लोग अपनी अगली क्लासेस के लिए आगे बढ़े बेटा। ओके, तो आपकी 12 क्लासेस में चैप्टर नंबर 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, समझ लीजिए। ठीक है, जैसे मैं आपको हर वीडियोस में आपको बता रहा हूं, हेलो व्युत्पन्न। एक्चुअली हेलो व्युत्पन्न का मतलब मैं आपको जो समझाने का वहां प्रयास कर रहा था, वो प्रयास ये था कि हाइड्रोकार्बन के राइट एक या एक से अधिक एच परमाणुओं का प्रतिस्थापन हेलो समूह द्वारा करा दिया जाए। ठीक है ना, बैलेंसी फ्री एक्स समूह मीन्स हेलो समूह बेटा, और हेलो समूह का मतलब हो गया एफ सी एल बी आर आई। ठीक है ना, आप जानते थे और आप ये भी जानते हैं कि मैंने कल आपको ये बताया था, ठीक है, कि हाइड्रोकार्बन का जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन सेक्शन है जिसमें एल्केन श्रेणी आती है, इस श्रेणी में के किसी भी सदस्य से, एल्केन श्रेणी के किसी भी सदस्य से, मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, किसी भी सदस्य से एक एच को अगर डिस्प्लेस कर दिया जाए, केवल एक एच उठाया जाए, तो प्राप्त श्रेणी को हम लोग बेटा एल्किल मतलब अल्काइल, इंग्लिश में अल्काइल बोलेंगे, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, हिंदी में पढ़ा रहा हूं इसलिए आप एल्किल ही समझें, एल्किल श्रेणी बन जाएगी, मतलब मेथेन का बन जाएगा मेथिल, एथेन का बन जाएगा एथिल, लेकिन तीन कार्बन की दो एल्किल होंगी बेटा, एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। इसी तरह से चार कार्बन की चार एल्किल होती है बेटा, नाम तो उनके ब्यूटिल होंगे बट उनके आगे कुछ प्रीफिक्स सिंबल लगेंगे, जैसे नॉर्मल ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल और तृतीयक ब्यूटिल। ओके, तो इस तरह से चार कार्बन की एल्किल कितनी बनेंगे बेटा, चार। ठीक है ना, थोड़ा सा डिस्कशन मैंने आपको लास्ट वीडियोज में बताया था, फिर भी मैंने आपको कहा है कि हमारी पुरानी वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उनमें अल्किल तीन कार्बन की, चार कार्बन की, पांच कार्बन की, वो प्रीफिक्स क्यों यूज किया गया, नॉर्मल किसे कहते हैं, द्वितीय के तृतीय किसे कहते हैं, वो आपको वहां मिलेगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट हेलो डेरिवेटिव्स, हेलो व्युत्पन्न। तो हाइड्रोकार्बन का अगर एक एच हटा रहे हैं तो उसे बेटा एल्किल कहते हैं। आपको याद होना चाहिए बेटा, मैंने एल्किल को, समझना ध्यान से, एल्किल को मैंने नॉर्मली आपको बताया था कि हम लोग आर बैलेंसी फ्री इस तरह से इंडिकेट करेंगे, क्योंकि एल्केन का सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है आर सिंगल बॉन्ड एच, राइट, और एक एच हटा दिया जाए तो आर बचा के नहीं, उसे एल्किल कहेंगे। अब एल्किल के सदस्यों में मेथिल, एथिल, एन प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, एन ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, तृतीय ब्यूटिल, ठीक है ना। इसी तरह से पांच कार्बन की भी एल्किल अगर अपन देखेंगे तो पांच कार्बन के एल्किलों तक अपन ये पहुंच सकते हैं। खैर, तो अब मैं आपको एक और बात क्या बताने जा रहा हूं, आपको वो सुनिएगा, कुछ समूहों के बारे में सुनिएगा। जैसे बेटा इसको कहते हैं अपन क्या, एल्किल यानी मेथिल, इसको कह दिया बेटा एथिल, ठीक है। इन सब बेटा ये जब तक हमारे बेस तैयार नहीं होगा ना तो हमें दिक्कतें आती रहेंगी, इसलिए मैं मेरी हर वीडियोस में कहना होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो चैप्टर जो 11th क्लासेस में थे उनको अच्छी तरह से आप लोग पढ़िएगा। ओके, इसी तरह से मैंने कल बताया था तीन कार्बन की, इनको प्रैक्टिस करिए, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं तो बेटा आप भी लिखिएगा उन्हें और समझने का। देखिए,
तीन कार्बन है और सिरे वाले कार्बन से सिरा ये भी हो सकता है, सिरा ये भी हो सकता है, यहां से एक एच हटकर फ्री बैलेंसी कर दी गई, तब अपन इसको क्या बोलेंगे बेटा, नॉर्मल प्रोपिल बोलेंगे। नोट करिए जल्दी से अपनी नोट्स में, ठीक है ना। और आप अपने आप को बताते हैं नॉर्मल कब लगाया बेटा, जब तीन कार्बन है और तीनों कार्बन की फ्री। इसमें क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि बेटा इसके अलावा दूसरा बनेगा ही नहीं, ये एक ही होगा एथिल, ये मैथिल है बेटा, ठीक है ना। तो जब एक से ज्यादा होते हैं तो पूर्णलग्न को संकेत इस्तेमाल में लगाएंगे। बात आ रही है समझ में, ओके। अगर मैंने इस कार्बन से एच हटाया होता बेटा, यहां के बजाय यहां से हटाया होता, तो अगर मैं लिखूं तो ये हो गया CH3CH, ये बैलेंसी फ्री CH3। आप इस फ्री बैलेंसी को यहां लगाओ, यहां लगाओ, या मैथिल को आप यहां से उठाकर यहां जोड़ो, बात तो एक ही है ना, जुड़े तो बेटा इसी कार्बन से है ना। अब इसको बोला जाएगा आइसोप्रोपिल बेटा, क्या आइसोप्रोपिल, ओके। ये दो तीन कार्बन की बेटा दो एल्किल हो गई, जिनमें नॉर्मल और आइसो प्रीफिक्स सिंबल लगाया जाएगा, ओके। इसी तरह से चार कार्बन की मैं बात करूं तो चार कार्बन में क्या है, देखिएगा चार कार्बन को हम दो तरीके से अरेंजमेंट बना सकते हैं बेटा, अरेंजमेंट नंबर एक और अरेंजमेंट नंबर दो। इन दोनों में फर्क है कि नहीं, हां। ये सब चारों कार्बन स्ट्रेट यानी सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, और इसमें चारों कार्बन सीधी श्रृंखला में नहीं जुड़े बल्कि शाखा के रूप में जुड़े हैं बेटा, ठीक है ना। एक कार्बन आप देखिए कहीं से भी गिनेंगे, एक दो तीन ही आएंगे, एक दो तीन ही आएंगे, टोटल चार कार्बन तो है लेकिन श्रृंखला की दृष्टि से तीन ही कार्बन है, ओके। तो ये दो तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है इसमें। अगर मैं सारे हाइड्रोजन यहां भर दूं तो वो एल्केन श्रेणी का सदस्य बन जाएगा, समझ रहे हैं आप। जैसे मैंने ये रखी CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये इसी तरह से यहां भरा बेटा मैंने CH3 हाइड्रोजन की बैलेंसी को कंप्लीट करते, ऑलरेडी तीन हाइड्रोजन भरने का काम बेटा संयोजकता लगाने के बाद किया करें, कभी भी कोई गलती नहीं होगी। अगर हम लोग रटकर हाइड्रोजन भरने का डायरेक्टली प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको हाइड्रोजन या कम या ज्यादा आपको लगा सकते हैं आपको, ठीक है ना। तो ये इसका नाम होगा बेटा एन ब्यूटेन, एल्केन की बात बता रहा हूं मैं आपको, एन ब्यूटेन, ठीक है। और इसका नाम होगा आइसोब्यूटेन, एन आइसोब्यूटेन, एल्केन का सदस्य है ये। अणुसूत्र तो यही होगा बेटा C4H10, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समावयवी होंगे बेटा, समान अवयव है तो समावयवी होंगे। ये सजाती भी हैं, सजाती क्यों है, क्योंकि इनकी जाति है एल्केन, दोनों एल्केन के सदस्य हैं, और समावयवी इसलिए कि अवयव समान है। अगर मैं मैथेन और ब्यूटेन की बात करता हूं तो मैथेन और ब्यूटेन, एथेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन सजाती तो हैं लेकिन समावयवी नहीं है, लेकिन ये दोनों समावयवी भी हैं और सजाती भी हैं। एक ही जाति क्या है इनकी, एल्केन के सदस्य हैं, और समावयवी क्यों है, क्योंकि इनमें कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या यानी इनका अणुसूत्र समान है, वो जो कि C4H10 है। चलिए ये तो रही इसकी बात, अब अपन को पढ़ना तो एल्किल है ना बेटा, तो एक एच हटाना है अपन को। अब देखिए ये कौन सा डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये सॉरी ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, यानी यहां से और यहां से हटाना बेटा एक ही बात हुई, राइट। तो मैंने एक एच हटा दिया, ये इसी में मैंने बना दिया बेटा, ठीक है। तो अब ये एन तो नहीं रहा, अब ये ब्यूटिल बन गया बेटा, ब्यूटिल। अब ब्यूटिल के आगे चूंकि ब्यूटिल कई बनेंगे, क्योंकि एच हटने की संभावना कई हो सकती, कई जगह से हो सकती है, अलग अलग कार्बनों से हो सकती है, तो हमको कुछ पूर्णलग्न संकेत लगानी पड़ेगी। और पूर्णलग्न संकेत क्या लगाऊंगा, चूंकि चार कार्बन है, जैसे यहां बताया था मैंने आपको तीन कार्बन है और सिरे वाले कार्बन से एच हटाया हो, जिसकी वजह से हमने ये फ्री बैलेंसी लगा दी, तो क्या लगाते हैं बेटा, नॉर्मल। तो क्या हो गया बेटा, ये नॉर्मल ब्यूटिल हो गया। बड़े आसान शब्दों में समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। अगर छूट भी गया तो भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा, अगर मैंने यहां से एच हटाया होता बेटा, यहां से और यहां से भी एक ही बात है, क्योंकि ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है, राइट। तो ये 1 डिग्री था, यहां से एच हटाया था, फ्री बैलेंसी की हमने, ये भी 1 डिग्री है, यहां से हटाना दोनों से एक ही बात क्यों हो गई, देखिएगा उसे मैं नीचे बना रहा हूं आपको, CH3CH और ये फ्री बैलेंसी कर दिया आपको, ठीक है ना, CH2CH3। यहां का एच हटाना, यहां का एच हटाना क्यों एक ही है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन है और समान उस कार्बन से समान स्पीसी जुड़ी हुई है बेटा, ठीक है। तो अब मैं इसका नाम क्या दूंगा बेटा, इसका नाम नॉर्मल तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, सोचिए बेटा नॉर्मल क्यों नहीं होगा, दो रीजन है। एक तो नॉर्मल ऑलरेडी हम दे चुके हैं, अब दे चुके हैं तो दिया क्यों है,
जितने भी कार्बन हो वो सारे के सारे कार्बन सीधी श्रृंखला के रूप में जुड़े और सिरे वाले कार्बन की फ्री बैलेंसी मुक्त संयोजकता हो, राइट। तो नॉर्मल तो इसको देंगे ही नहीं, पहली बात तो दे चुके, दूसरी बात ये नॉर्मल है भी नहीं बेटा, तो फिर क्या दिया जाए। आइसो है नहीं, आइसो का संकेत मैंने क्या बताया था, आइसो के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, फ्री वैलेंसी वाले कार्बन से आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है, ये मेरे अपने समझाने का तरीका है, ठीक है, फ्री वैलेंसी वाले कार्बन से स्टार्ट कीजिए। तो यहां से स्टार्ट करेंगे इस कार्बन से, तो बेटा ये लास्ट होगा, लास्ट से पहले वाले कार्बन को सेकंड लास्ट कहते हैं, और सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मैथिल समूह जुड़ा है, राइट, इसलिए आइसो है। अब क्या ये बात इसमें फॉलो करें, देखिए फ्री वैलेंसी वाले कार्बन से स्टार्ट कीजिए, तो इधर चूंकि ज्यादा कार्बन है तो इधर चलता हूं मैं, यहां से स्टार्ट कीजिए तो ये लास्ट और ये सेकंड लास्ट, क्या सेकंड लास्ट कार्बन पर मैथिल समूह जुड़ा है, नहीं जुड़ा, इसका मतलब इसमें आइसो प्रीफिक्स सिंबल नहीं लगाया जाएगा, पूर्णांक संकेत आइसो नहीं लगेगा। किसमें लगेगा, अगर हम फ्री बैलेंसी वाले कार्बन से स्टार्ट करें और सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मैथिल समूह जुड़ा हो, जैसे मैंने आपको यहां बताया था और बाकी मैं बताने जा रहा हूं, तब लगाएंगे। तो फिर क्या लगाया जाए, तो आइसो तो लगेगा नहीं, तो फिर क्या किया जाए, द्वितीयक सेकेंडरी। अब सेकेंडरी कब लगेगा बेटा, कि जब उसमें आइसो सिचुएशन ना हो और जिस कार्बन की बैलेंसी फ्री हो ना वो टू डिग्री कार्बन हो। समझ में आ गए, टू डिग्री कार्बन किसको कहते हैं, जिससे दो अन्य कार्बन जुड़े होते हैं। देखिए जिस कार्बन की संयोजकता ये फ्री है ना बेटा, इस कार्बन से एच हटा तो फ्री संयोजकता होगी, उस कार्बन से दो अन्य कार्बन जुड़े यानी टू डिग्री कार्बन तो है, उसकी फ्री बैलेंसी होने पर अपन द्वितीयक यानी सेकेंडरी लगाएंगे। बहुत आसान शब्दों में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, द्वितीयक कहना या सेकेंडरी कहना, ना ब्यूटिल तो है ही ये, ओके। तो इस तरह से हमने दो तो ये बना दिए बेटा, एल्किल, एल्किल की बात हो रही है बेटा, एल्केन मैंने बता दिए थे, ये एल्किल दो। अब देखिएगा इस वाले एल्केन से अपन एल्किल बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए बहुत आसान वही बात, इस कार्बन को कौन सा प्रकार कहोगे बेटा, क्योंकि एक ही से जुड़ा वन डिग्री, इसको क्या कहोगे वन डिग्री, इसको भी क्या बोलोगे वन डिग्री बोलोगे। अब यहां से एच उठाना, यहां से एच उठाना, यहां से एच उठाना, अलग अलग नहीं होगा, एक ही होगा, क्यों, क्योंकि सेम कार्बन है। अगर मैं यहां से फ्री बैलेंसी कर देता हूं तो ये क्या होगा CH2CH CH3CH3, और यहां से फ्री बैलेंसी कर देता हूं तो फ्री बैलेंसी CH2CH CH3CH3, यहां से फ्री बैलेंसी कर देता हूं तो वही। तो जब तीनों अलग अलग तीन कार्बन जो हमें दिख रहे हैं उनसे अगर हम लोग एच हटाकर जो एल्किल प्राप्त कर रहे हैं उनमें आप अंतर कर ही नहीं पा रहे, तो वो अंतर है ही नहीं उसमें, क्योंकि सेम है इसलिए एक ही बनेगी। तो यहां से एच हटा दूं या यहां से एक ही बात है, तो मैंने यहां से एच हटा दिया, राइट। लेकिन बेटा यहां से एच हटाना अलग बात हो जाएगी, क्योंकि ये वन डिग्री थे तो एक ही बात थी, लेकिन यहां से एच हटाने पर अलग क्यों हो जाएगी, सोचिए अपने दिमाग, क्योंकि ये कार्बन वन डिग्री नहीं, ये कार्बन तीन अन्य कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये थ्री डिग्री कार्बन है, तो एक अलग एल्किल बनेगी बेटा, वो मैंने एल्किल यहां लिखी, ठीक है, CH3C बैलेंसी फ्री CH3CH3, वो एक अलग बात है। देखिए बेटा ये हमारे लिखना है, जैसे CH3 को आप यहां जोड़ दो फ्री बैलेंसी यहां की कर दो, या यहां की फ्री बैलेंसी कर दो CH3, वो एक ही बात है, उसमें कंफ्यूजन मत होइए। आप लोग नोट कर रहे हैं ना, पेन लेकर, रफ कॉपी लेकर, फेयर कॉपी लेकर जो भी है आप लोग बैठा करें, जब भी मेरी क्लास, मेरी क्या सभी टीचर की जो क्लास होती है उसको बैठा करें, नोट किया करें, ठीक है ना। वो अलग बात है कि सिस्टम है कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लेकिन आप खुद हाथों से प्रैक्टिस जब करोगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा, और अपने आप को सिक्योर, अपने आप को बताने की कोशिश करिए कि क्या ये सही है, मैं नॉर्मल लगा रहा हूं क्यों लगा रहा हूं, मैं आइसो लगा रहा हूं तो क्यों लगा रहा हूं, द्वितीयक लगा रहा हूं, सेकेंडरी लगा रहा हूं तो क्यों लगा रहा हूं, तृतीयक यानी टर्सरी लगा रहा हूं तो मैं क्यों लगा रहा हूं। अपने आप को बेटा, अपने आप को समझाइए, जब आप अपने आप को समझाएंगे तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है, जब भी वो सामने आएगा आप उसका जवाब दे सकते हैं, रटेंगे तो कहीं ना कहीं भूलेंगे, ओके। चलिए अब बात आती है कि इनके नाम, ब्यूटिल तो है ही बेटा, लेकिन ब्यूटिल तो बहुत ऊपर की वाली भी ब्यूटिल थी, ये भी ब्यूटिल है बेटा जो नीचे बनाई है मैंने। अब प्रश्न ये आता है कि अब ये संकेत क्या लगाया जाए ब्यूटिल के आगे, ठीक है ना, क्या संकेत लगाया जाए, नॉर्मल लगा सकते हैं आप लोग, दो रीजन है, एक तो लगा चुके तो इसलिए नहीं लगा सकते, दूसरी बात क्या नॉर्मल दिख रहा है आपको सो लगा दोगे आप, नहीं, क्यों, कैसे, क्यों नहीं लगाएंगे आप लोग, क्योंकि सर जितने भी कार्बन, कार्बन टोटल चार है, वो स्ट्रेट श्रृंखला में जुड़े होने चाहिए, तो सिरे वाले कार्बन की फ्री बैलेंसी होनी चाहिए, राइट, ना इसमें लगा सकते ना इसमें लगा सकते, द्वितीयक लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते बताइए,
द्वितीयक मैंने क्या बताया था, जिस कार्बन की फ्री वैलेंसी हो वो 2 डिग्री कार्बन वाला होना चाहिए। क्या ये 2 डिग्री कार्बन है? क्या ये, क्या ये 2 डिग्री कार्बन है? नहीं, ये 3 डिग्री कार्बन है जिसकी वैलेंसी फ्री है और ये 1 डिग्री है। इट मींस द्वितीयक नहीं लगा सकते। तो फिर और भी सिंबल यूज किए गए। आइसो, आइसो देखते हैं अपन। यहां से स्टार्ट कीजिए बेटा, ये लास्ट कार्बन हो गया। यहां से स्टार्ट कीजिए बेटा, ये लास्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड लास्ट कार्बन। और सेकंड लास्ट कार्बन पर आपको क्या दिखाई देगा बेटा? एक मेथिल। ठीक है, अक्सर टीचर या हम लोग भी बता देते बेटा ऐसो कौन दिख रहा हो, ऐसा देखो, ऐसा एक कार्बन से दो मेथिल ऐसा दिख रहा हो। क्या दिख रहा है इसमें? कि हाँ एक कार्बन से दो मेथिल। इसमें तो एक कार्बन से दो तो छोड़ो, यहां में तो तीन तीन दिख रहे हैं। इसका मतलब ये बात इसमें अलग हो गई, राइट? तो कुछ और नाम आएगा। तो इसके अंदर बेटा आइसो लगाएंगे। यहां से स्टार्ट करो, ये लास्ट, ये सेकंड, सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मेथिल। तो वो हम अपने तरीके से उसको समझ सकते हैं, अपने दिमाग में जो बात बिठा सकते हैं वो नियम, वो अपने आपकी अपनी परिभाषा बन सकती है, राइट? इसमें देखिएगा, अब इसमें नॉर्मल आइसो नॉर्मल हो गया बेटा, आइसो हो गया, द्वितीयक हो गया। अब जिस कार्बन की फ्री वैलेंसी है वो 3 डिग्री है, और 3 डिग्री कार्बन की फ्री वैलेंसी हो तो उसे बोला जाएगा टर्शरी यानी तृतीयक। कुछ बैठी बात दिमाग में? तो इस प्रकार से चार कार्बन की कितनी एल्किल हुई बेटा? चार। कौन कौन सी? एन ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल, तृतीय ब्यूटिल। इसी तरह से एक कार्बन की एक ही एल्किल होगी मेथिल, एक दो कार्बन की एक ही एल्किल होगी एथिल, तीन कार्बन की एक ही एल्किल होगी एनप्रोपिल, मतलब दो होंगी एनप्रोपिल और आइसोप्रोपिल, और चार कार्बन की आप एल्किल देख रहे हैं, ओके? लेकिन जब हम लोग बेटा पांच कार्बन की एल्किल जानेंगे तो पांच कार्बन की एल्किलों की संख्या ज्यादा होगी, 3 और 4 7 और 1 8, 8 एल्किल बनेंगी। अब उनमें उसी तरह से मुझे समझाना पड़ेगा, तो मैं किसी और दिन वीडियो के अंदर वो डालूंगा, ठीक है ना? चार कार्बन तक की एल्किल को तो आप याद रखिए, क्योंकि अभी अच्छा एक और पूर्णांक संकेत था जिसको कहते थे नियो, वो नियो बेटा चार कार्बन तक नहीं आता। चार कार्बन के बाद जैसे पांच कार्बन की स्टार्टिंग होगी ना, नियो की शुरुआत उसमें होगी, तब मैं आपको उसमें भी आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, ओके? तो मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, एल्केन श्रेणी के सदस्य हाइड्रोकार्बन होते हैं कि नहीं? तो ये समझिए आप लोग कि हाइड्रोकार्बन के, यानी हाइड्रोकार्बन का मतलब केवल एल्केन नहीं होता बेटा, हाइड्रोकार्बन का मतलब वे भी होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, वे भी होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और वे भी होते हैं जिनमें श्रृंखला मतलब वलय हो, और वलय में भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब अकल का नियम पालन करना, राइट? तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन एक विस्तृत हो गया, इसलिए तो इसका एक चैप्टर बना है बेटा हमारे 11th क्लासेस में। तो हाइड्रोकार्बनों से एच, हाँ ये जरूर है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन हो वो केवल कार्बन हाइड्रोजन से मेड अप होगा, बना होगा। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का एक एच हटाते हैं तो वो एल्केन होगा, राइट? मतलब एक एच हटाएंगे मतलब संतृप्त खुली श्रृंखला वाला होगा तो एल्केन होगा, और एल्केन का एक एच हटा देंगे तो वो एल्किल श्रेणी होगी, एल्किल जो पढ़ रहे थे हम लोग। इज दैट क्लियर? तो हाइड्रोकार्बन का चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो बेटा, या फिर एलिसाइक्लिक हो मतलब चक्री हो, चाहे चक्री हकल का नियम पालन करने वाला हो या ना करने वाला हो, उनमें से एक या एक से अधिक एच हटा देंगे तो क्या बन जाएंगे बेटा? हाँ, हेलो वित्पन बन जाएंगे। हाइड्रोकार्बन के उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे? हेलो वित्पन बोलेंगे, राइट? ठीक। तो मैं अब आपको उसी चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं, ठीक है? तो आगे मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूं वो प्रयास ये है मेरा कि हम इन हेलो वित्पनों का क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें, ओके? पर डेफिनेशन समझ में आ गई? किसी भी हाइड्रोकार्बन से, किसी भी का मतलब हो गया चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, अल्काइन हो, साइक्लो एल्कीन हो, एलिसाइक्लिक वाला हो, या फिर बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि शुरुआती सदस्य के तौर पर बेंजीन का हो, वो हो, उसका एक या एक से अधिक एच हटा दिया जाए और वहां क्या जोड़ दिया जाए? हेलोजन जोड़ दिया जाए, उन्हें बोलेंगे अपन हाइड्रोकार्बनों के हेलो वित्पन, ओके? चलिए, तो जहां तक हेलो वित्पनों के क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का प्रश्न है, वर्गीकरण का प्रश्न है क्लासिफिकेशन में, तो वर्गीकरण के कई आधार बनाए गए। उसमें पहला है बेटा, वर्गीकरण में पहला है हेलो समूह की
प्रकृति के आधार पर, हेलो समूह की प्रकृति के आधार पर, नेचर ऑफ हेलो ग्रुप, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हेलो ग्रुप के आधार पर। देखिए इसका सीधा सा मतलब होगा, अभी मैंने हेलो ग्रुप ये बताए थे आपको बेटा, ठीक है ना, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। अब इसका मतलब यहां यही है बेटा कि आखिर उसमें हेलो कौन है, मतलब क्या उस हेलो वितपन में फ्लोरो वाला है कि क्लोरो वाला है, यहां इस पर अर्थ नहीं है कि वो किस से जुड़ा है, किस कार्बन से जुड़ा है, कितने जुड़े हैं, ये आधार अभी नहीं बनाया इस वाले पॉइंट में। केवल क्या आधार बनाया, वो कौन है, हेलो ग्रुप कौन सा है उस हेलो वितपन के अंदर, राइट। तो इसे हम चार प्रकार से मोटे मोटे तौर पर बांट सकते हैं, फ्लोरो वितपन बेटा। अब ये क्लियर हो गया, क्या क्लियर हुआ कि उनमें केवल, उनमें केवल का मतलब हो गया जिन हाइड्रोकार्बनों को हम इनके पिताजी फादर कहते हैं, मतलब क्यों कहते हैं, क्योंकि उनसे ही तो ये बने हैं, उनसे ही बने हैं, मतलब उनका एक या एक सदी के चटाने के बाद बने हैं, राइट। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि तो वो जो एच हटाए ना अपने, एक एक से ज्यादा, वहां क्या जोड़ दिया जाए, वहां फ्लोरो समूह जोड़ दिया जाए, एफ को जोड़ दिया जाए, एक या एक से ज्यादा एफ को जोड़ दिया जाए, तो हम उन्हें फ्लोरो वितपन के, केवल फ्लोरो हो तो। मेरा अंदाजा किसी तरह से आप ये समझ में आ गई होगी बात। दूसरा मैंने बनाया क्लोरो वितपन बेटा, क्लोरो वितपन। तो आपको जो फ्री बैलेंसी जो मैं बता रहा हूं ना बेटा, ये इन फ्री बैलेंसी पर अगर मैं क्या कर दूं, सीएल जोड़ दूं तो ये सब कौन हो जाएंगे, क्लोरो वितपन बन जाएंगे, बीआर जोड़ दूंगा तो ब्रोमो वितपन बन जाएंगे, ब्रोमो वितपन बेटा। इसी तरह से चौथा होता है हमारा आइडो वितपन बेटा, आइडो डेरिवेटिव्स, थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया मैंने, डेरिवेटिव्स, ओके, समझ में आई बात। फ्लोरो डेरिवेटिव्स, क्लोरो डेरिवेटिव्स, ब्रोमो डेरिवेटिव्स, आइडो डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। बट अगर किसी में बेटा एक से ज्यादा प्रकार के हैलोजन हो, ये एक ही प्रकार के हैलोजन है, या तो फ्लोरो होगा या क्लोरो होगा या ब्रोमो, अगर एक से ज्यादा है तो आप उसे एक स्पेशल केसेस में मिश्रित हेलो वितपन भी कह सकते हैं, मिक्स्ड हेलो वितपन। मिश्रित हेलो वितपन में क्या होगा बेटा, मिश्रित हेलो वितपन में एक से ज्यादा प्रकार के हैलोजन उसके अंदर हो सकते हैं। जैसा मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, CF3CHCl2, राइट। आप सोच रहे होंगे कि सर आप पढ़ाते में इनको क्यों नहीं हटा रहे, तो बेटा अभी थोड़ी देर में आपको ये बात समझ में आ पाएगी, ऑलरेडी लिखा हुआ, इसलिए आपके आपको समझ में आने के लिए मैंने इनको इरेज नहीं किया, साफ नहीं किया, ओके। तो आप देख रहे हैं इसमें बेटा हेलोजन फ्लोरो भी है, क्लोरो भी है, तो मैं इसको फ्लोरो नहीं कह सकता ना क्लोरो कह सकता, बल्कि मैं क्या बोलूंगा, मिश्रित हेलो वितपन बोलूंगा, मिक्स्ड हेलो डेरिवेटिव बोलेंगे कि नहीं बेटा, एक से ज्यादा प्रकार के हेलोजन, एक से ज्यादा भिन्न प्रकार के हेलोजन हो गए बेटा, तो ये मिश्रित हेलो वितपन में आ जाएगा। दरअसल ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए समझाने के लिए कहा गया, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल के तौर पर है, और उसमें इसका नाम है हेलोथेन। क्या बेटा इसका नाम हेलोथेन है, कौन सा नाम, अब देखिए बेटा मैंने यहां जो बनाया है इसको गौर से देखिए, जब भी मैं इस तरह का संकेत बनाऊंगा जो आपको स्टार जैसा दिख रहा है ना बेटा, तो समझ लीजिए क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नामकरण की, कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की बहुत पद्धतियां हैं, तीन चार पद्धतियां तो हैं ही, रूढ़ नाम यानी सामान्य नाम, वितपन नाम, आयुपेशी नाम, इस तरह से, और कुछ और नाम हो सकते हैं उनके एक ही यौगिक के जो आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल में किए जा सकते हैं, ओके। खैर तो मैंने ये मेरा अपना संकेत हो गया, मैंने क्या बना दिया संकेत कि जब जब बेटा मैं ये स्टार लगाऊंगा आप इसका नाम सामान्य नाम समझेंगे, ओके। तो ये नाम बना बेटा इसका क्या, हेलो वितपन, सॉरी हेलोथेन, हेलो। अब देखिए इसके नाम को अगर थोड़ा सा अपन विश्लेषण करें, थेन से मतलब है, एथेन से लिया गया है, मिलाकर नाम बनाया गया, हेलोजन दिख रहे हैं, क्लोरीन फ्लोरीन ये तो ठीक है, लेकिन हमें थेन का मतलब है दो कार्बन है, देखो एक और दो कार्बन, दो कार्बन का एकल बंधित, दो कार्बन है और दोनों कार्बनों में एकल बंध लगा है, और दो कार्बन और एकल बंध हो तो उसको क्या जानते हैं अपन, एथेन। तो मिलाकर हेलोजन और एथेन को मिलाकर नाम बना दिया इन्होंने हेलोथेन।
लेकिन आईपीसी चूंकि नियमावली पर आधारित है, आईपीसी नोमेनक्लेचर हम लोग जानते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट इज द बेस्ड ऑन रूल्स। वैज्ञानिकों ने मिलकर कुछ तरीके बनाए, उन तरीकों पर आधार करके उन्होंने पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज पहुंचा दिया कि आप अपने शहर में, आप अपनी स्टेट में, आप अपने देश में उसका नाम जो बोलते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात होगी तो उसका नाम आईपीसी में बोलेंगे, क्योंकि पता नहीं आपके यहां क्या क्या, किस चीज को क्या क्या नाम दे दिया जाता होगा। आप अपने यहां इस्तेमाल करो, अपने घर में इस्तेमाल करो, गांव में इस्तेमाल करो, शहर में इस्तेमाल करो, देश में इस्तेमाल करो, इंटरनेशनल लेवल पर आपको उसका आईपीसी नाम बोलना पड़ेगा। ओके बेटा, खैर तो आईपीसी नाम में आप देखिएगा, यहां बेटा दो कार्बन है, ये धीरे धीरे मैं सारी बातों को जोड़ता जा रहा हूं आईपीसी नाम को, चूंकि ये लिखा है मैंने इसलिए आईपीसी। इसका उपयोग बेटा निश्चेतक के रूप में किया जाता है, बेहोश करने में किया जाता है, यानी सर्जरी के दौरान। ये तो और भी मेडिसिन है, और भी कार्बनिक यौगिक है जिनसे किसी व्यक्ति को सर्जरी करने से पहले उसको बेहोश किया जाता है, और भी चीज है जिसमें डाईएथिल ईथर भी है बेटा, उसमें क्लोरोफॉर्म भी है। ओके, वैसे ही ये सब आप लोग अपनी मेडिकल की जब पढ़ाई करेंगे ना तो सारी बातें, ये सारी बात समझाई जाती है कि पेशेंट किस तरह का है, उसकी पूरी बॉडी के अंदर का जो सिस्टम है, कौन सी वाली मेडिसिन को लेने के लिए वो कैपेबल है, जिससे उसको कुछ समय के लिए बेहोश किया जा सकता है, जिससे सर्जरी की जा सकती है, ठीक है ना। यहां मैं उसकी और ज्यादा गहराई में नहीं ले जाऊंगा आपको। चलिए हेलोथेन, अब आईपीसी नाम में, आईपीसी नाम को बताने के लिए मैंने कुछ शुरुआत की आपको, बहुत बेसिक तरीके से समझिएगा, बहुत स्लो पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्योंकि पहला चैप्टर जो है बेटा बहुत स्लो ही हो पाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर ऐसा होता है, बहुत टाइम भी लगेगा उसमें, क्योंकि हमारा और चैप्टरों में क्या होता है कि हम सीधे सीधे आपको कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें पुरानी कहानी पूरी पहले पढ़ानी पड़ती है, तब जाकर आपकी कनेक्टिविटी मिलेगी। अगर मैं डायरेक्टली आपको हेलो बिटपन की दाएं दाएं में उतर जाता तो बेटा आप लोग कल से मेरा वीडियो देखना बंद कर दोगे, जो मैं नहीं चाहता, राइट है कि नहीं बेटा। ओके, तो जैसे ये लिखा गया, अब इसका आईपीसी नाम तो हो गया एथिन, अब एक एच उठाकर बेटा मैंने अगर यहां सीएल जोड़ दिया तो इसका आईपीसी नाम हुआ क्लोरोएथीन, राइट। एक और एच उठाकर बेटा मैंने यहां सीएल जोड़ दिया तो आपको इसका नाम होगा डाइक्लोरोएथीन। अब देखिए जैसे ही आप डाइक्लोरोएथीन कहते हैं यहां एक कंफ्यूजन होता है, एथिन चूंकि दो कार्बन है और आपके डाइक्लोरो, तो डाइक्लोरो में दो सीएल कहां जुड़े हैं पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि आप दो सीएल को एक ही कार्बन से भी जोड़ सकते हो और दोनों सीएल को अलग अलग कार्बन से भी जोड़ सकते हो, तो यह सिचुएशन क्रिएट्स हो गई, और जब सिचुएशन क्रिएट्स हो जाती है, कंफ्यूजन की सिचुएशन क्रिएट्स हो जाती है, तो वहां कुछ ना कुछ हम ऐसा संकेत बनाते हैं जो स्पेसिफिक उसी उदाहरण की पूर्ति करता हो, राइट। तो मैं आपको जो बता रहा हूं कि अगर यहां दो सीएल जोड़े गए तो ये नंबर एक पर जुड़ा है बेटा, यहां दो सीएल होते तो वो भी नंबर एक होता, तो इसका नाम इस वक्त होगा 1.1, क्योंकि एक ही पर जुड़े हैं, तो पोजीशन देनी पड़ेगी बेटा हमको, विदाउट पोजीशन के दिए आप उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं बता सकते कि जो सही बताई गई है, सही पूछी गई है। 1.1 डाइक्लोरो एथेन इसका आईपीसी नाम होगा बेटा। और बेटा अगर एक सीएल यहां जोड़ता, एक सीएल यहां जोड़ता तो भी मुझे पोजीशन नहीं देनी पड़ती, तो मैं कहता वन, क्योंकि एक पर भी जुड़ा है और दो पर भी जुड़ा है, 1.2 डाइक्लोरो एथेन। इस समय इसका नाम क्या है? 1.1 डाइक्लोरो एथेन, राइट। इसी तरह से अगर मैंने यहां एफ जोड़ दिया होता बेटा, ये एफ CH2F, ओके, अब मुझे इसका नाम लिखना है, तो चूंकि वही दो कार्बन की श्रृंखला बनेगी, क्लोरो का सी एफ से पहले आता है तो क्लोरो के सी को ही मैं प्रायोरिटी दूंगा, तो ये एक ये दो, तो अब ये इसका नाम होगा 1.1 डाइक्लोरो 2 फ्लोरोएथेन। एफ सी के बाद में आता क्लोरो, सी फ्रॉम द क्लोरो इज कम्स बिफोर एफ फ्लोरो, राइट। अगर मैंने यहां दो एफ जोड़ दिए होते बेटा तब भी वही स्थिति आती है, दो एफ जोड़ दिए, क्योंकि यहां अभी भी दो सीएल या दो एफ और क्लोरो का सी पहले आता है, इसलिए अभी भी प्रायोरिटी वही चलेगी, 1.1 डाइक्लोरो 2.2 डाइक्लोरो एथेन। लेकिन जैसे ही बेटा मैंने यहां तीन एफ कर दिए, तीन एच हटाकर ये तीन एफ जोड़ दिए,
तो सामान्य नाम में एलोथेन कहते हैं। अभी मैं बताता हूं एलोथेन का तरीका भी मैंने आपको अभी थोड़ा बताया था और फिर दोबारा भी बोलूंगा। अब मुझे इसका नाम लिखना है तो अब रूल्स बदल गए। कब तक प्रायोरिटी थी? जब तक एक सीएल एक एफ था, दो सीएल दो एफ थे, लेकिन अब संख्या ज्यादा हो गई बेटा एफ की, तो आईपीसी का नियम कहता है कि अब अंकन उस सिरे से किया जाए जहां से अधिक समूह जुड़े हों। तो अब इस स्थिति में ये नंबर वन बन जाएगा, ये नंबर टू बन जाएगा बेटा। लेकिन नंबर वन बन तो गया, ये नंबर टू हो तो गया, लेकिन चूंकि क्लोरो का सी, अब नाम लिखने में वो तो अंकन की बात थी बेटा, नाम लिखने में तो आप अंग्रेजी वर्णमाला का ही पालन करेंगे चाहे उसकी स्थिति कौन से भी कार्बन से आती है। तो नाम में तो क्लोरो को पहले ही लेंगे बेटा, तो नाम हो जाएगा 2.2। अब देखिए जब भी बेटा अंक और अंक रिपीट करते तो बीच में क्या लगाएंगे? कोमा। ये समझ ले बेसिक नियम है। कुछ एग्जामिनर मूडी किस्म के होते हैं, वो आपके टू और टू को नहीं लगाया तो काट सकते हैं बेटा आपको, आप उसके लिए। और वो फिर लगाया डैश। अब डैश क्यों लगा रहा हूं? अंक के बाद बेटा वर्ड आ रहा है, बेटा शब्द आ रहा है डाई, और वो क्या है? क्लोरो, राइट। और उसके बाद इसको लिखना है वन, देखिए डैश लगाया क्योंकि शब्द के बाद फिर कोमा आ रहा है, 1.1.1 ट्राई फ्लोरो एथेन। तीन बार है इसलिए ट्राई, दो बार है इसलिए राइट, ट्राई फ्लोरो एथेन। इस तरह से इसका नाम लिखा जाएगा। ये कौन सा नाम है बेटा? अब देखिए ये जो मैंने संकेत बनाए देख रहे हैं आप, हैज जैसा, बिल्कुल माइंड में बैठा लो। क्या बैठा लो? कि अगर हैज जैसा साइन मैंने किसी नाम के आगे लगाए वो आईपीसी नाम के लिए, स्टार जैसा साइन अगर मैंने लगा दिया तो वो सामान्य नाम के लिए। तो अगर कोई डॉक्टर जो निश्चित के रूप में इसका उपयोग कर रहा है और वो ये चिल्लाएगा क्या 2.2 डाइक्लोरो 1.1.1 ट्राइफ्लोरो एथिल लाना, डॉक्टर तो बहुत पहले से बेचारे परेशान है। तो वो निकनेम उपयोग करते हैं, निकनेम, वो निकनेम है बेटा इसका हेलोथेन। हेलोथेन इस पूरे का देखो, हेलो हेलो और हेलोथेन। तो कई बार ऐसा होता है बेटा कि निकनेम को भी बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी मिल जाती है। आपने बहुत सारे लोगों के नाम सुने होंगे, हनी सिंह, यो हनी सिंह सुना है कि नहीं? तीन बोतल, वो चार बोतल वाला, हाँ वही वही बेटा, ये बढ़िया याद है आपको। जैसे मैंने हनी सिंह कहा आपके दिमाग में तुरंत बात आ गई, और मैंने अगर ये कहा हाइड्रोकार्बन तो कह रहे हो कि नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। चलो खैर, तो ये मिश्रित हेलो व्युत्पन्न के एग्जाम्पल में आ जाएगा बेटा, ओके। चलिए तो वर्गीकरण का एक आधार समझ में आया, हेलो कौन है इसके आधार पर क्लासिफिकेशन करना है आपको। अब वर्गीकरण का अगला आधार बनाता हूं मैं आपको, और वर्गीकरण का जो अगला आधार है बी, वो है संख्या के आधार पर, हेलो समूह की संख्या के आधार पर, हेलो समूह की संख्या के आधार पर, ओके बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलो ग्रुप, ओके। तो संख्या अभी क्या था, कौन हेलोजन है उसके आधार था, अब क्या है कौन है इससे कोई मतलब नहीं है, कितने हैं, हाउ मैनी, इस पर बेस्ड हमारा क्लासिफिकेशन है। तो जब एक हेलो होगा तो उसे बोलेंगे बेटा मोनो हेलो व्युत्पन्न। मैं बार बार आपको एक बात क्या बताने की प्रयास कर रहा हूं बेटा, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, कोई सा भी, इट मींस चाहे वो एल्कीन का सदस्य हो, चाहे वो एल्कीन का सदस्य हो, चाहे वो एल्काइन का हो, चाहे वो चक्री में एलिसाइक्लिक हो, चाहे वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, उसका अगर एक एच हटाकर एक हेलोजन जोड़ा गया है, और हेलोजन कोई सा भी, मैं अगर बोर्ड पर ये बोल जो मैं बोल रहा हूं उनके उदाहरण लिखना चालू कर दूं तो आप समझ सकते हो कितने उदाहरण मैं बना दूंगा, राइट। तो मैं ये बता रहा था कि अगर एक हेलोजन जोड़ा जाए उनमें तो वो मोनो हेलो व्युत्पन्न कहलाएंगे। अब देखिए एल्केन समझाए हम लोगों ने, एल्केन, यस, एल्केन से एक एच हटाओ तो उसे एल्किल कहते हैं कि नहीं, और उन्हें एल्किलो के नाम ये मैंने अभी हटाए नहीं है वही रखे। और अगर मैं यहां हेलोजन जोड़ दूं, मान के चलो मैंने यहां सब में सीएल जोड़ दिया बेटा, ठीक है ना, सीएल, तो ये सब बेटा इसी कैटेगरी के हो गए, ये सब इसी कैटेगरी के हो गए, बैठी कुछ दिमाग में, ये सब अब इस कैटेगरी में आ गए, मोनो हेलो व्युत्पन्नों की कैटेगरी में आ गए। क्योंकि इसका बेस अगर मैं पूछूं बेटा जनक कौन है, ये हेलो व्युत्पन्नों का जो बोर्ड पर आप देख रहे हैं इनका जनक कौन है बताइए, तो आपका जवाब होगा एल्केन, होगा कि नहीं, क्योंकि तो एल्केन का एक एच हटाकर एक हेलोजन जोड़ा गया है, तो ये सब एल्केन के मोनो हेलो व्युत्पन्न है, और एल्केन के मोनो हेलो व्युत्पन्नों को हम लोग मोनो हेलो एल्केन,
एल्केन के मोनोहेलो विद्पनों को हम लोग मोनोहेलो एल्केन या बेटा ये आईपीसी में बोलेंगे मोनो, ठीक है ना। हालांकि एक के लिए आईपीसी में मोनो नहीं लगाया जाता, लेकिन भाषा के तौर पर बोलने में कहा जाएगा। और सामान्य नामों में बोला जाएगा बेटा एल्किल हेलाइड, क्या बोला जाएगा एल्किल हेलाइड, समझ रहे हैं आप। हेलाइड का मतलब कौन है वो, सी एल है तो क्लोराइड, एफ है तो फ्लोराइड, बी आर है तो ब्रोमाइड और आई है तो आयोडाइड, इज दैट क्लियर। अब अगर मैं इनके सबके नाम लिखूं, जैसे मैंने इसका नाम लिखा, सामान्य नाम की बात कर रहा हूं मैं, ये जो संकेत बनाए मैंने सामान्य नाम के, ठीक है ना। तो अब एन ब्यूटिल तो है ही, पीछे क्या करना है, ये तो एल्किल हो गई बेटा, पीछे क्या करना है क्लोराइड जोड़ना है। अब बताइए, मैं बोर्ड पर नाम नहीं लिखूंगा लेकिन आप मुझे गुनगुनाएंगे नाम, इसका नाम बोलो, यस क्या नाम बोलोगे, मैथिल क्लोराइड, क्या बोलोगे बेटा मैथिल क्लोराइड, इसलिए मैं नहीं हटाया था। इसके पीछे क्या लगाएंगे, एथिल क्लोराइड, समझ में आ गई बात, मतलब एथिल के पीछे क्लोराइड। और अगर बीआर जुड़ा होगा तो ब्रोमाइड, तो इसका नाम होगा एन प्रोपिल ब्रोमाइड, इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, क्लोराइड आयोडाइड, जो भी हेलोजन जुड़ा होगा उसके पीछे वो हेलाइड के रूप में लिखा जाएगा, बात आ गई दिमाग में। अब अगर मैं इसको यहां से इरेज कर दूं, हटा दूं, हटाने से पहले भी मैं आप लोगों को इसके आईपीसी नाम बता दूं, क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड पर ये लिखे गए, तो इनके सामान्य नाम लिखने में क्या जरूरत पड़ेगी, हमें एल्किल लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोगों को हेलाइड लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 40 मिनट्स हो गए, ओके, हाउ मेनी रिमेनिंग, 4 मिनट्स, 45 तक, ठीक है। तो बेटा मैं आपको जो बात कर रहा था वो ये था कि इनके सामान्य नामों की बात की जाएगी तो आपको एल्किल लिखना पड़ेगा। अब आप समझ रहे हैं, आप एल्किल कितना मस्त हो गया, आप लोगों को बार बार ही आएगा। अब दोबारा मेरे साथ बोलिए, एक कार्बन की एल्किल मैथिल, दो कार्बन की एक ही एल्किल एथिल, तीन कार्बन के दो एल्किल एन प्रोपिल, बनाकर देखिए बेटा, बनाकर देखिए रफ कॉपी पर, दो कार्बन की एक, तीन कार्बन की दो एल्किल एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल, चार कार्बन की कितनी बेटा, चार, एन ब्यूटिल, द्वितीय ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल और तृतीय ब्यूटिल, और जो हेलोजन जुड़ा हुआ है उस फ्री वैलेंसी पर वो जोड़ने के बाद वो हैलाइड लिख दिया जाएगा। एन ब्यूटिल क्लोराइड, द्वितीय ब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड, अगर सीएल जुड़ा हो तो। अब जहां तक आईपीसी नाम का प्रश्न है तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, आईपीसी नामांकन की डिटेल्स कहानी तो बेटा हम लोग उनके नियमों पर किसी और वीडियो में हमने डिस्कशन करी है, वहां देख सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ना, क्रियात्मक समूह, उनमें से मोटे मोटे तौर पर तीन ऐसे क्रियात्मक समूह बिल्कुल गांठ बांध लो अपने पास, उसकी पोटरी बांध लो, तीन ऐसे फंक्शनल ग्रुप है मोटे मोटे तौर पर, हेलो, नाइट्रो और ओआर। ओआर का मतलब है ईथर, एल्कोक्सी, एल्किल में ओ जुड़ा, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी ग्रुप ईथर ग्रुप होता है बेटा, ठीक है ना, हेलो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप और एल्कोक्सी। दरअसल ये तीन ऐसे मोटे मोटे तौर पर, तीन मोटे का मतलब हो गया 90% के करीब कवर होने वाले, तीन ऐसे फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है बेटा, जिनका अनुलग्न ही नहीं होता। अनुलग्न समझते हैं, नाम के पीछे लगने वाला, अनु पीछे, पूर्व आगे, अनु पीछे, राइट, तो पीछे लगने वाला शब्द इनका होता ही नहीं है, क्योंकि ये हमेशा प्रतिस्थापी समूह माने जाते हैं। बिल्कुल दिमाग में बिठा लो बेटा ये बात, ये हमेशा दे ऑलवेज कंसीडर्ड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एंड यूज ऑलवेज प्रीफिक्स वर्ड, ओके, प्रतिस्थापी समूह माने जाते हैं इनको। ये चाहे अकेले आते हो या किसी अन्य क्रियात्मक समूह के साथ बेटा आते हो, इनको कभी भी मुख्य क्रियात्मक समूह माना ही नहीं, मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं माना जाता। और आप जानते हैं बेटा, जिनको मुख्य क्रियात्मक समूह माना जाता है उनके क्या लगाए जाते हैं, अनुलग्न, ये होते ही नहीं है। और जब ये नहीं होते तो फिर इनको प्रतिस्थापी समूह माना जाता, और उनके क्या लगाए जाते बेटा, प्रीफिक्स वर्ड यूज किए जाते, पूर्वलग्न। चुनी हुई कार्बन की श्रृंखला पांच कार्बन की है तो पेंटेन, और पेंटेन से पहले जो शब्द आएगा ना वो पूर्वलग्न है, और पेंटेन के बाद जो शब्द आएगा वो अनुलग्न है। जैसे एल्कोहल का अनुलग्न होता है ऑल, एल्कोहल का पूर्वलग्न भी होता है हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब ये सारी बातें, यही अपन को कनेक्टिविटी करनी है बार बार। मेरी वीडियो खत्म जब भी होती है, आप अपने पिछले नोट्स को, 11 क्लासेस को देखिए, पिछला वीडियो जब देखिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो प्रतिस्थापी समूह पूर्वलग्न, तो इसके लिए पूर्वलग्न होता है बेटा हेलो, क्या होता है बेटा, गुनगुनाइए मेरे साथ, हेलो, इसका होता है नाइट्रो और इसका होता है एल्कोक्सी। अब एल्कोक्सी बेटा तब तक होगा जब तक ओआर लिखा गया है, लेकिन जैसे ही आर की वैल्यू लग जाएगी ना, आर का मतलब मैथिल जोड़ दिया,
तो वो हो जाएगा मिथॉक्सी, एथिल जुड़ जाएगा तो इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, फिनॉक्सी, फिनाइल ग्रुप, फेनिल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो हेलो ग्रुप को, अब चूंकि हमें इस चैप्टर में हेलो ग्रुप के बारे में पढ़ना है तो इस समूह को अपने दिमाग में कि हेलो को कभी भी मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं माना जाता, हमेशा दोयम दर्जे का, दोयम सेकेंडरी लेवल का फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, इसलिए इसको प्रतिस्थापी समूह इसका मानकर इसके इसका पूर्ण लगाया जाता है। तो इसके नामों में अब देखिए इसका पूर्णक लगाना, आईपीसी की बात कर रहा हूं, सामान्य नाम हो गया मैथिल क्लोराइड, आईपीसी की बात कर रहा हूं मैं तो नाम होगा क्लोरो, पहले लिखना है ना हमको क्लोरोमेथेन, क्या है इसका नाम क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन बेटा। इसलिए तो मैंने अभी आपको बोला था इनको हेलो एल्केन कहते हैं बेटा, हेलो एल्केन। आईपीसी में मोनो लगाने, एक है तो मोनो लगाने की जरूरत नहीं है लेकिन दो वगैरह पे तो लगेगा बेटा। ओके, इसका नाम क्या होगा बेटा, सामान्य नाम तो एथिल क्लोराइड था बेटा, आईपीसी नाम क्या होगा इसका बताइए, बताओ तो आईपीसी नाम होगा इसका, ये संकेत मैंने हैज जैसा बना दिया, क्लोरोएथेन। ओके, क्लोरोएथेन बेटा। इसका सामान्य नाम हो गया एन प्रोपिल क्लोराइड बेटा, अगर सीएल जुड़ा है तो ध्यान रखना, और आईपीसी नाम हो जाएगा। अब देखिए यहां से आपका ट्विस्ट हो गया, ये कितने कार्बन की श्रृंखला, एक दो तीन, ये तो दो की थी, ये तीन की, अब तीन में ये भी है, एक दो तीन, लेकिन इसमें तीन कार्बन की श्रृंखला में सीएल एक पर अटैच्ड है, इसमें तीन कार्बन की श्रृंखला में सीएल दो पर अटैच्ड है, तो स्थिति में बदलाव आ गया, और जब स्थिति में बदलाव हो, अवयव समान हो तो इसे स्थिति समावेवी कहते हैं, तो आप इन दोनों को कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के पोजिशन आइसोमर है, जिसमें चुनी हुई कार्बन की श्रृंखला समान हो, अणुसूत्र तो समान होगा ही, चुनी हुई कार्बन की श्रृंखला समान हो, क्रियात्मक समूह सीएल सीएल है वो भी समान है राइट, और केवल क्रियात्मक समूह की स्थिति में अंतर हो तो ये कहेंगे। तो सामान्य नामों में आईपीसी नाम में पोजीशन देनी पड़ेगी, एक दो तीन, तो एक पर सीएल जुड़ा है, इसमें दो पर जुड़ा है, तो नाम लिखूंगा मैं वन क्लोरो, बोलिए बेटा प्रोपेन, वेरी गुड वेरी नाइस प्रोपेन, इसकी बात करें बेटा हम लोग, ये तो सामान्य नामों में तो लिखी दिया होगा आप लोगों ने, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, रफ कॉपी निकालो, लिखना चालू करना चाहिए आप लोगों को, और आईपीसी नाम बोलेंगे तीन कार्बन की श्रृंखला में पूर्णन के रूप में, इसको कहना है अपन को टू क्लोरोप्रोपेन, इस तरह से इनके आईपीसी नाम बनते जाएंगे, ठीक है, टू क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपिल क्लोराइड का आईपीसी नाम होगा टू क्लोरोप्रोपेन। यहाँ के आईपीसी नाम की बात करिएगा बेटा, थोड़ा सा जूम कर लिया करो, ठीक है ना, और हाई उस पर चलाइए, अगर आपको नहीं दिख रहा इसके पीछे रीजन, समझते हैं आप क्या है कि आपने अपने मोबाइल पर जो इसकी रेंज है वो कम रखी है, उसको खोलिए 440 840 जो भी आपके मोबाइल की उस रेंज तक पहुंचा उसको, ठीक है ना, तो साफ दिखाई देगा और भी, ठीक है ना। एन ब्यूटिल क्लोराइड, यहाँ की क्वालिटी तो अपनी जगह सही जा रही है, आपके मोबाइल की क्वालिटी सेट नहीं है, उसको सेट करिए अगर आपको साफ नहीं दिख रहा तो। एन ब्यूटिल क्लोराइड का आईपीसी नाम चार कार्बन की श्रृंखला में सीएल एक पर जुड़ा है, तो नाम लिखा जाएगा वन क्लोरो ब्यूटेन बेटा। ओके, ब्यूटेन क्या बोलेंगे, क्योंकि चार कार्बन को ब्यूट कहते हैं, और चूंकि उसका ब्यूट के पीछे जो शब्द लगेगा वो श्रृंखला संतृप्त या असंतृप्त इस पर डिपेंड करेगा, एन। ओके, इसकी बात करें पर सामान्य नामों में क्या बोलेंगे, द्वितीय ब्यूटिल क्लोराइड। ओके, अगर बीआर होता तो ब्रोमाइड जोड़ते बेटा इसको, और आईपीसी में बोल देंगे हम इसे क्या बोलेंगे, चार कार्बन की श्रृंखला में सीएल एक दो तीन पर जुड़ा है, इधर से दो पर जुड़ा है, तो इधर से अंकन करेंगे टू क्लोरो ब्यूटेन बोलेंगे, समझ में आई बात। इसका नामकरण करते हैं, सामान्य नाम तो वही है बेटा, चलिए मैं इसमें सीएल की जगह आपको आई लगा देता हूं, तो आइसोब्यूटिल आयोडाइड कहेंगे कि नहीं, हम लोग आई लगाते ही सामान्य नामों में, और आईपीसी नाम में क्या बोलेंगे बेटा। अब देखिए श्रृंखला चुनिए, एक दो तीन करने पर ये आई छूट रहा है, तो हमने तीन कार्बन की ये श्रृंखला चुनी जिसमें आई भी आ रहा है और ये श्रृंखला भी आ रही है, अब दो आ जाते हैं, तो एल्किल अगर जनक श्रृंखला इसको कहेंगे तीन कार्बन की, और जनक श्रृंखला में ये कार्बन की श्रृंखला कहलाएगी साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला, जैसे मेन जो पेड़ है बेटा, पेड़ में से जो शाखाएं निकल जाती है उनको शाखन कहते हैं ना, शाखाएं, वैसे मेन पेड़ में से ये शाखा निकल गई, तो अब इसके नाम को भी इसी तरह से देखा जाएगा, इसको भी पूर्णन के रूप में लिखना है, तो अंकन तो इधर से ही करेंगे क्योंकि एक पर आइड आ रहा है, एक दो तीन, हाँ अगर समान दूरी पर समान आते तो फिर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर तुलना करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो एक दो तीन, एक पर आइडो और एक दो पर मैथिल, आइडो का आई मैथिल के एम से पहले आता है, तो आइडो को पहले लिखा जाएगा बेटा, क्या लिखूंगा मैं इसमें,
वन आइडो पोजीशन देनी पड़ेगी, बिना पोजीशन दिए पर आइडो कहोगे तो पता ही नहीं चल रहा कि दो पर है कि एक पर है कि नहीं। वन आइडो टू मैथिल, ये मैथिल बेटा, और जनक श्रृंखला कितने कार्बन की है, तीन की, टू मैथिल प्रोपेन। ओके वेरी नाइस। इसी तरह से अगर मैंने यहां पर बेटा बीआर जोड़ दिया होता तो सामान्य नाम क्या होता बेटा, एल्किल, तो आप पहले से मालूम थे तृतीय ब्यूटिल ब्रोमाइड। ओके आईपीसी नाम में क्या होगा इसका, वही तरीका बेटा, और क्या है ये हैज बना दिया आईपीसी नाम के लिए। एक दो तीन, तीन कार्बन की जनक श्रृंखला कहीं से भी देख लो, एक दो तीन, और ये बन गई पार श्रृंखला और ये बन गया प्रतिस्थापी समूह। ये ब्रोमो और ये मैथिल, कौन पहले आता है, बीआर का ब्रोमो का बी, तो मैं लिखूंगा टू ब्रोमो, समझ में आ रही है बेटा, टू ब्रोमो टू मैथिल। टू मैथिल क्यों कहा गया, जनक श्रृंखला तो ये है तीन कार्बन की, दो पर बीआर है दो पर मैथिल है, चूंकि ब्रोमो का बी मैथिल के एम से पहले आता है तो ब्रोमो लिखेंगे, टू मैथिल प्रोपेन, वही तीन कार्बन की श्रृंखला प्रोपेन बेटा, बैठे कुछ दिमाग में। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इनका नामकरण कर सकते हैं, ये कर सकते, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ये मोनो एलोपिक फेनोल की बात होगी क्योंकि एक एक हैलोजन जोड़ा गया है। अब मैं आपको इसकी वर्गीकरण में और थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, डाई हैलोबिथपन, अब इसका मतलब समझ में आ रही है, इसका मतलब होगा दो हैलोजन होंगे बेटा, ठीक है ना, दो हैलोजन। और नंबर तीन वर्गीकरण में लिखूंगा मैं ट्राई हैलोबिथपन बेटा, तीन हैलोजन होंगे, ट्राई हैलोबिथपन। इसी तरह से अगर मैं थोड़ा सा साफ कर दूं, आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है ना, तो वर्गीकरण के आधार को और बढ़ा रहे हैं अपन, अभी थोड़ी देर बाद या अगले वीडियो में देखेंगे ये ट्राई हैलोबिथपन हो गया। अब जैसे मैंने कहा बेटा मैथेन, क्या बोला मैंने, मैथेन बोला, मैथेन के तीन एच हटा दो, ट्राई करोगे तो तीन एच हटाओगे, डाई करोगे तो दो हटाओगे बेटा। तो अगर मैं इसके एग्जांपल को मैं अगर एक तरीके से बताऊं तो मैंने ले दिया CHCl3 जिसको आप क्लोरोफॉर्म कहते हैं, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आइडोफॉर्म, और कॉमनली अगर मैं लिखता हूं CHX3 तो हेलोजन तो मालूम नहीं है तो अपन कह देंगे क्या, हेलोफॉर्म कह देंगे बेटा, क्या कहेंगे, हेलोफॉर्म। तो ट्राई हैलोबिथपन का उदाहरण बन जाएगा इस तरह से। ये मैंने मैथेन से हटाया, किसी से भी हटा सकते हो। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत जितने चाहो उदाहरण, महीनों तक अपन इसी पर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने एक सिलेबस की बाउंडेशन है बेटा, वो हमें ध्यान रखकर ही पूरा काम करना पड़ेगा। टेट्रा हैलोबिथपन बेटा, अब टेट्रा समझ में आ गया, चार हैलोजन, मतलब जैसे मैथेन से ही मैंने चार एच हटाकर चार सीएल जोड़ दिए, तो अब इसको क्या बोलोगे आप, मैथेन का टेट्रा हैलोबिथपन बोलोगे, नहीं हेलो में क्लोरो बोल दोगे, कॉमन नाम क्या होता, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब देखिए मार्केट में कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अलावा ज्यादा पॉपुलर नाम है इसका पाइरीन, आग बुझाने वाले यंत्रों में उपयोग किया जाता है, अध्रुवीय विलायक है बेटा, बहुत जगह आप लोग इसको देखेंगे, अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय समझते हैं अपन, इसकी स्ट्रक्चर अगर अपन बनाए तो इस तरह की स्ट्रक्चर द्विध्रुव आघूर्ण में बताया गया था, इस बंध में ध्रुवता उत्पन्न होगी, हाँ क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, इलेक्ट्रॉन घनत्व इधर ऐसी इधर, तो ये ध्रुवता की दिशा मैंने बना दी। अब इसमें क्या दिखाई दे रहे, चारों बंध समान है और चारों बंध एक दूसरे के विपरीत है, तो वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, तो अणु का टोटल द्विध्रुव आघूर्ण जिसको म्यू कहते हैं वो कैसा आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो बंध तो ध्रुवीय है लेकिन अणु कैसा है, पूरा अणु कैसा है, अणु अध्रुवीय है, नॉन पोलर है बेटा, कोई ध्रुवता नहीं है अणु में, बंध में ध्रुवता है, क्योंकि किसी अणु की कुल उस किसी अणु की ध्रुवता उसमें मौजूद बंधों के प्रकार, बंधों की दिशा, इन तमाम बातों पर निर्भर करती है। तो बंध चार और चारों बंध एक दूसरे के विपरीत, देखिए इधर से इधर, इधर से इधर, सी से सीएल, सी से सीएल, ओके। तो इस बंध का जितना द्विध्रुव आघूर्ण मान आएगा, बंध का ध्यान रखना, बंध का उतना ही इसका आएगा, उतना ही इसका आएगा, उतना ही इसका आएगा, लेकिन चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और जब सदिश राशि है तो वो एक दूसरे के दिशा पर भी निर्भर करती है, जिसके कारण कुल द्विध्रुव आघूर्ण, खैर 11वीं क्लास में हमने पढ़ा होगा, तो ये अध्रुवी विलायक भी है। इसी तरह से आप पेंटा, इसी प्रकार से हेक्सा हैलोबिथपन वर्गीकरण कर सकते हैं। तो आज की क्लासेस में मैंने आपको दो तरीके के वर्गीकरण से आपको परिचित कराया है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई। कल की क्लासेस में मेरा आपसे बार बार कहना क्या बेटा, कल की क्लासेस में आप तब बैठेंगे जब आप लोग सेकंड को पढ़ चुके होंगे, बात समझ में आ रही है, अदरवाइज सेकंड को ही नहीं पढ़ना है। 11 क्लासेस के हाइड्रोकार्बन, उससे पहले के बेसिक प्रिंसिपल वाला चैप्टर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि वो चीजों को बहुत ज्यादा अगर मैं लाता हूं, मैं फिर भी आप कितना भी मना करूं लाता हूं, लेकिन आप पढ़कर बैठेंगे, पढ़कर मेरी वीडियो को देखेंगे तो और अच्छी तरह समझ आएगा, ठीक है ना। ओके बेटा, मस्त रहिए, हंसते रहिए।